अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मारो खान। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वीडियो में हम लोग SM गवर्नमेंट साइंस कॉलेज का फर्स्ट ईयर के जोलॉजी के पेपर के MCQ सॉल्व करेंगे। फर्स्ट MCQ हमारे पास इट लाइज इनसाइड द चेस्ट वॉल। सो एक्सचेंज चैप्टर 14 है, तो उसमें बताया हुआ है हमारे पास पेरिएटल पेल्यूरा होती है। ये हमारे पास होती है इनसाइड द चेस्ट, ये आउटर मेम्ब्रेन है लंग्स की। सो ये इनसाइड द चेस्ट होती है, चेस्ट वॉल होती है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ हमारे पास पेरिटल पेलोरा होगा। जबकि अगर हम बात करें विसरल की, तो ये हमारे पास जो अराउंड ईच लंग। सो यहाँ पे हमारे पास इनसाइड का हुआ है, तो हम पेरिटल पेलोरा लगाएंगे। अब कुछ MCQ नंबर 2 है हमारे पास, एंटीबॉडीज आर सिक्रेटेड बाय। सो एंटीबॉडी सिक्रेटेड होती है बीटा सेल में। अगर हमारे पास यहाँ बीटा सेल नहीं दिया होता तो फिर हम लोग प्लाज्मा सेल लगाते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बीटा सेल दिया हुआ है। सो यहाँ हमारे पास करेक्ट ऑप्शन सेल होगा, क्योंकि प्लाज्मा सेल बीटा की एक टाइप है। MCQ नंबर 3 है मर्सोपियल्स आर। सो मर्सोपियल्स हमेशा पाउच मैमल्स होते हैं, जिसमें हम लोग उनको मेटाथेरिया भी कहते हैं। सो मर्सोपियल्स में कैंगरू आते हैं। सो मर्सोपियल्स आर पाउच मैमल्स, मेटाथेरिया में ये हमारे पास इंक्लूड होते हैं। इट इज़ अ कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। सो ये आपके पास आपकी बुक में एंजाइम में दिया हुआ है कि पेनिसिलिन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर होता है, जिसमें हम आपका आपकी बुक में कहा हुआ है कि रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्लॉक कर देता है एंजाइम को, जो रिस्पॉन्सिबल होता है कि ड्रग कर सके बैक्टीरियल सेल वॉल को। सो करेक्ट ऑप्शन ये हमारे पास बी होगा। MCQ नंबर 5 है ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल मेड अप ऑफ 3 कार्बन एटम। सो हमारे पास ग्लिसरॉल एक ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल है, जो कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से बना होता है। सो करेक्ट ऑप्शन ये हमारे पास सी होगा, ग्लिसरॉल। MCQ नंबर 6 है न्यूक्लियस एक्ट ऑन। सो न्यूक्लियस एज हमेशा हमारे पास एंजाइम में आता है, यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस कहा हुआ है। सो हमारे पास होगा आंसर RNA। हमारे पास यहाँ एज लिखा हुआ था, जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड पे रिएक्ट करता है, एक्ट करता है। सो यहाँ DNA होता है या RNA होता है, वही हमारे पास आंसर होता, न्यूक्लियस एक्ट ऑन RNA। ये एज हमेशा एंजाइम में आता है, सो ये एज होना नहीं चाहिए, उसमें पेपर में था तो मैंने यहाँ लिखा है। नंबर 7 है इट सर्व एज फिजिकल बैरियर। सो ऑलवेज रिमेंबर फिजिकल बैरियर में म्यूकस आती है, स्किन आती है और एपिथेलियम से रिलेटेड एपिथेलियम आती है। सो म्यूकस मेम्ब्रेन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। सलाइवा, HCl और मैक्रोफेज, ये सारे केमिकल बैरियर होते हैं। MCQ नंबर 8 है इट इज़ प्रोड्यूस बाय वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। सो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन हमारे पास टी वेव होती है, जबकि डीपोलराइजेशन QRS होती है। यहाँ पर रीपोलराइजेशन का हुआ है, तो हम लोग कहेंगे कि ये टी वेव्स होती हैं। और हर्माफ्रोडाइट मीन्स, सो हर्माफ्रोडाइट होता है जिसमें हमारे पास मैन एंड फीमेल दोनों एक ही ऑर्गेनाइजम्स में होते हैं। और हर्माफ्रोडाइट का मतलब है कि मोनोइशियस। फ्लावर्स में मोनोइशियस कहते हैं जब हमारे पास मेल एंड फीमेल दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं एक ही फ्लावर में। सो यहाँ करेक्ट ऑप्शन मोनोइशियस होगा। और डाइशियस हमेशा हेट्रो को कहते हैं, जिसमें हमारे पास मेल एंड फीमेल दोनों एक्जैक्टली ऑर्गेनाइजम्स में होते हैं। हर्माफ्रोडाइट मोनोइशियस होता है। इट इज़ अ लार्जेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ लिपिड। सो आपके पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में लिपिड में बताया हुआ है कि टर्पिनॉइड्स लार्जेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्लास है लिपिड की, यूनिट से बनी होती है। सो टर्पिनॉइड्स इज द लार्जेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ लिपिड। MCQ नंबर 11 है दिस रीजन कंटेन्स गैस बबल्स। सो हमारे पास फंडस होता है, ये क्या होता है हमारे पास कि ये अपर कर्व पार्ट होता है, और मोस्टली इसके पास गैस बबल्स होते हैं आफ्टर अ मील। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ हमारे पास फंडस होगा। नंबर 12 है इंटरनल फोल्ड्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर कॉल्ड। सो इंटरनल फोल्ड्स हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के होते हैं, वो हमारे पास होते हैं पेलिसिस सर्कुलेट्स। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ हमारे पास ए होगा। ये आपके पास बुक में लाइंस हैं, ये लाइन भी दी हुई है और ये भी दी हुई है। MCQ नंबर 13 है लिम्फ इज अ फ्लोइड मेनली कंटेन। सो लिम्फ एक ऐसा फ्लोइड होता है जिसमें ये कलरलेस फ्लोइड होता है, जिसमें प्रोटीन होते हैं, फैट्स होते हैं और हमारे पास लिम्फोसाइट्स होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ हमारे पास सी होगा, क्योंकि मोनोसाइट्स, लिकोसाइट्स, एथ्रोसाइट्स ये सारे नहीं होते। एथ्रोसाइट्स तो हम RNA को ही कहते हैं। सो ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ सी होगा। MCQ नंबर 14 है सब लिंगल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ। सो ये हमारे पास सलाइवा में होते हैं 3 ग्लैंड, इसमें पेयर्स होते हैं, 3 पेयर्स होते हैं और टोटल ये 6 होते हैं। सो सब लिंगल ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है टंग पे, हमारे पास मैंडिबुलर हमारे पास जॉज में होता है। सो वो हमारे पास अलग अलग होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कहाँ प्रेजेंट होता है। सब लिंगल ग्लैंड्स हमेशा प्रेजेंट होता है टंग पे। हमारे पास इट इज़ एन इनडेंजर्ड ग्रीन टर्टल फाउंड इन पाकिस्तान। सो ये आपके पास मेंशन है पूरा क्लास रेप्टिलिया में, आपके पास ये मेंशन है कि किलोन माइडास की आपके पास एक मेंशन है कि ये हमारे पास इनडेंजर्ड स्पीशीज जो प्रेजेंट है पाकिस्तान में। सो करेक्ट ऑप्शन ये हमारे पास सी होगा। MCQ नंबर 16 है ह्यूमन हैज़ डैश पेयर्स ऑफ नेसल कैविटीज़। ह्यूमन के पास हमारे पास 4 पेयर्स होते हैं नेसल कैविटीज़ के, और पेयर्स से हटाएं तो हमारे पास टोटल होते हैं 8। सो यहाँ हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा कि ह्यूमन हैज़ 4 पेयर्स ऑफ नेसल कैविटीज। हमारे पास होते हैं फ्रंटल साइनस, एक होता है मैक्सिलरी साइनस, एक होता है एथमॉइड साइनस और एक होता है स्फेनॉइड साइनस। सो ये 4 पेयर्स होते हैं ह्यूमन के। सो दैट सर, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस MCQ, सो लेट मी नो, इंशाल्लाह आई विल टेल यू एंड सॉल्व योर क्वेरी। अल्लाह हाफिज़।